प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाथरस कांड की सीबीआई जांच करने के लिए क्यों कहा है? देखिए, हाथरस कांड में जो यूपी सरकार ने शाम के समय सीबीआई जांच की सिफारिश की थी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस आशय से घोषणा की है कि इससे पहले कांग्रेस के पहले अध्यक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी उस पीड़िता के घर पहुंचे तो यहां दोनों नेताओं ने पीड़ित परिवार से बंद कमरे में करीब 45 मिनट तक बातचीत की है। पीड़ित परिवार दोनों नेताओं को देखकर रोने लगा। तब प्रियंका गांधी ने पीड़िता की मां को गले लगाए और न्याय का भरोसा दिलाया। बता दें कि दोनों नेताओं के साथ कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी, मुकुल वांसनिक, इन तीनों नेताओं को राहुल प्रियंका के साथ जाने की यूपी प्रशासन ने अनुमति दी थी। पीड़ित परिवार से मिलने के बाद मीडिया के सामने आई प्रियंका गांधी ने कहा कि जहां जहां महिलाओं के साथ अपराध होंगे मैं वहां आऊंगी, हमारी आवाज को कोई दबा नहीं सकता, अन्याय के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी। सीएम योगी आदित्यनाथ को जिम्मेदारी समझनी चाहिए, एक माँ के दर्द को समझना चाहिए। वहीं राहुल गांधी ने कहा कि पीड़ित परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए, दुख की इस घड़ी से हम पीड़ित परिवार के साथ हैं। देखिए, वो सोच रहे हैं कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, बंद कमरे में ऐसी क्या बातें हुई होंगी, या फिर उनको किसी तरह से पैसों का लालच दिया होगा, या फिर आखिरकार ये बात क्या है। ये चीजें जानने के लिए जो है वो सीबीआई जांच करवानी आवश्यक है, ताकि सबके सामने सच आ जाए और सभी को ये पता लग जाए कि आखिरकार मामला क्या है, जिसकी वजह से कोई भी अड़चन ना आ पाए और किसी के ऊपर लगा झूठा आरोप भी साफ हो जाए। इसीलिए ही योगी सरकार चाहती है कि सीबीआई जांच आवश्यक हो। धन्यवाद। बोलकर आप आपको हिंदी में सवाल जवाब करने की स्वतंत्रता देता है। पाएं अपने हर सवाल का सटीक जवाब अपनी मातृभाषा में। साथ ही साथ आप भी अन्य लोगों के सवालों का सही जवाब देकर बन सकते हैं बोलकर पर टॉप स्पीकर। बोलकर ऐप डाउनलोड करें और हिंदी को दोबारा से अपने जीवन में वापस लाएं। याद है ना, हिंदी है हम वतन है, हिंदोस्तां हमारा।